स्वागत है आप सबका डिवाइन बेसिक काउंसलर चैनल में। दोस्तों सबसे पहले मैं कंफ्यूज हो गई थी कि ये वीडियो मैं कौन से चैनल के ऊपर बनाऊं। मेरे दो चैनल हैं अब डिवाइन बेसिक काउंसलर एंड हीलिंग हार्ट्स बाय डिवाइन बेसिक। मैं एक्चुअली इमोर्टल टॉक्स करके एक बुक है जो माना जाता है कि उसकी उस बुक के अंदर सारी जो विस्डम है जो हनुमान जी ने टच की है, जो ऑथर है सुनिए उनको, तो मैं आजकल वो सुन रही ऑडियो बुक। तो उसमें एक चैप्टर आया और मुझे बहुत ज्यादा उससे कनेक्टिविटी महसूस हुई और वो कहानी भी मैं शेयर करती हूँ। और ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है थोड़ा सा चॉइसेस के रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन के रिलेटेड, जिंदगी बदलने के रिलेटेड। तो फाइनली मैं आई थिंक काउंसलर वाले चैनल पे ही डालूंगी। तो इस बुक के अंदर जो एक बहुत सारी वैसे तो अलग अलग बातें हैं, लेकिन एक जो कहानी है जिसके अंदर एक लेडी है जिसके रिलेटेड हनुमान जी बोलते हैं कि ये पिछले 1000 जन्म से फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते सुसाइड करती है। मतलब ये जो सोल है, हम सब एज अ सोल इस दुनिया में आए हैं लेसन लेने के लिए, और हमारी जो चॉइसेस है इस दुनिया में, लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी ये बोला गया था कि जो सोल की जो पर्टिकुलर चॉइसेस है ना, वही उसका फ्यूचर डिसाइड करती है। लेकिन इस क्षण में आपके पास चॉइस है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। आप अपने पैटर्न के हिसाब से, मतलब आपके दिमाग में जिस तरह के पाथ बने हुए हैं, आप वैसे ही रिएक्ट करेंगे। एक सिचुएशन देख के आपको हमेशा गुस्सा आता है, हमेशा डर होता है, हमेशा रोना आता है, आप हमेशा उसमें गिव अप कर देते हो, तो आप वही चॉइस बनाओगे या एक क्षण में आपको भगवान ने चॉइस दी है दैट यू वांट टू चेंज, यू वांट टू स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। तो उसकी रिलेटेड स्टोरी है कि हनुमान जी बताते हैं कि ये औरत पिछले मतलब ये जो जन्मे जितने भी जन्म लिए है उसमें यही चॉइसेस बनाते आई है और यही गलती करती आई है। इस बार हमें उसकी चॉइस बदलनी है, उसको समझाना है कि उसके पास्ट कर्मा, मतलब लिंगा कोड के रिलेटेड इसके अंदर बात की गई है, जिसको अगर हम मतलब कैसे हर चीज कनेक्ट होती है ना, राहु केतु, केतु आपके पास्ट कर्मा है, आपकी पास्ट जिंदगी है, और राहु इस जन्म के डिजायर है। तो आपको आपके पास्ट कर्मा और इस जन्म के डिजायर को समझ के नई चॉइसेस बनानी है कि आपको वही रहना है या आपको बदलना है। और इस कहानी में फिर ये लोग मदद करते हैं उस औरत को अपने आप को सोल के तौर पे देख के अपनी अलग चॉइस क्रिएट करने के रूप में, और ये सुसाइड करने वाली होती है, लेकिन इस बार इस जन्म में वो कोई अलग चॉइस करती है और वहां से उसकी लाइफ का डायरेक्शन चेंज होता है। तो कितने साल और कितने जन्म लग गए एक सोल को अलग चॉइस बनाने में। तो अब वही बात है कि हम वही गलती करते हैं। अब मैं आपको एक बड़ा अमेजिंग सा किस्सा बताती हूँ। ये जो है ना, पहली बार मैंने जब सुना ये किस्सा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये तो बड़ी सच्ची बात है। मैं इसको चैनल पे डेफिनेटली शेयर करूंगी कि हम सेम चॉइसेस बनाते हैं। अगर आपको किसी सिचुएशन में डर लग रहा है तो आप डरते ही रहेंगे, अगर आपको किसी सिचुएशन में गुस्सा आता है तो आप हमेशा, इसीलिए आप अलग चॉइसेस नहीं बनाते उस टाइम पे, आप सेल्फ लव को चूज नहीं करते, सेल्फ ग्रोथ को चूज नहीं करते, कॉन्फिडेंस को चूज नहीं करते। इसीलिए मैं बोलती हूँ अपने फियर्स को फेस करो। अगर आप अलग चॉइसेस बनाओगे तो आपकी जिंदगी अलग दिशा में जाएगी। एक क्षण से अगर आप कंप्लेन करते आए हो, इस क्षण नई चॉइस बनाओ कि जीवन में चाहे कितनी भी चीज है, एक क्षण में यू आर मेकिंग द चॉइस एज अ पावरफुल सोल दैट यू विल चूज लव, यू विल चूज सेल्फ लव, यू विल चूज कॉन्फिडेंस, यू विल चूज टू फील गुड, यू विल चूज टू फील ग्रेटिट्यूड। हो सकता है धीरे धीरे आपकी जिंदगी का रंग बदल जाए, क्योंकि आपकी आत्मा को यही चॉइसेस बदलनी है। हो सकता है कि आप बचपन से वही गलती करते आए होंगे। अगर आप अपने आपके पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो यू विल रियलाइज कि हमेशा एक सिचुएशन में आपका एक ही रिएक्शन निकल के आता है। अब आई एम टेलिंग यू माई सिचुएशन। मैंने ये सुना तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आजकल यू नो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज मेरे जीवन में कनेक्ट हो रही है। तो ये सुना उसके 2-3 हफ्ते बाद मेरे सामने एक सिचुएशन आई। मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं अपने कोई दुख के रोने नहीं रोना चाहती, लेकिन कुछ सोल्स है जिसके साथ मुझे लगता है कि कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स थे और उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया, बहुत ज्यादा हर्ट किया। तो उनका जब भी मैं सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ देखती हूँ तो मेरा जो सेम रिएक्शन है ना, सेम गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन और गॉड से कंप्लेन कि ठीक है आपने मेरा अच्छा किया, लेकिन यू नो द ट्रू जिसको बोलते हैं कि न्याय, वो नहीं हुआ। क्योंकि ये लोग आज भी, मतलब इन्होंने मेरे साथ वही किया, ये बहुत सारे लोगों के साथ ये कर रहे हैं, ये लोग गलत है, लेकिन फिर भी इनके साथ सही होता है। दिस इज द थिंग, दिस इज माय सेम पैटर्न, दिस इज माय सेम रिएक्शन सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। द मोमेंट आई सी देम, वैसे मैंने काफी सारी, मतलब
ऑलमोस्ट सारा कंटेंट डिसफॉलो करके रखा है, लेकिन फ्रेंड के थ्रू उन्होंने ये चीजें शेयर की थी तो मेरे वो टाइमलाइन में आई, मैंने देखा मेरा फिर से सेम रिएक्शन निकल के आया। मतलब उस दिन 20 मिनट तक तो आई गॉट डिस्टर्ब, मतलब अंदर गुस्सा फिर से भर गया, फिर से सारी की सारी यादें मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन अब थोड़ी सी हाइटेंड हो गई है, अलाइन हो गई हूँ स्पिरिचुअली, तो समझ में आता है कि मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ। 20 मिनट जब तो मेरा वही अंदर से सेम चीजें निकल के आई, फिर मैंने मेरा दिमाग तुरंत, मैंने कहा भगवान क्या हो गया। मैं हमेशा ऐसे भगवान जी से बात करती रहती हूँ, तो मुझे वो किस्सा याद आया ना कि हनुमान जी वहां पे बोलते हैं कि अलग चॉइसेस बनानी है तो अलग जिंदगी बनेगी। मैंने कहा अच्छा, तो आपने वो कहानी इसलिए सुनाई थी क्योंकि मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आने वाली थी और मेरे साथ एक रियल लाइफ लेसन जुड़ने वाला था कि तुम क्या करती हो, तुम्हारी यही पैटर्न है कि तुम गुस्से की ज्वाला में जलती हो, तुम्हारे अंदर एक ग्रीफ आ जाता है उस सिचुएशन को याद करके जो तुम्हारी सोल ने फेस की थी, बट वो एक फेस था, तुम उसको छोड़ती हो, फॉरगिव नहीं कर पाती हो, तो इनडिफरेंट होके क्या अलग चॉइसेस बनाती होगी, भाड़ में जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट इट बी। This time I made a different choices और मैंने रात को फिर से अब खुद सॉल्व करके वो चीजें खोली और मुझे जो भी विचार आ रहे थे मैं उसको ऑब्जर्व कर रही थी स्ट्रॉन्गली कि मेरा माइंड कौन कौन सी चीजें, मेरा पैटर्न जो सोल का है, मेरे माइंड का है, न्यूरो पैटर्न भी जिसको बोलते हैं कि एक ही तरह के, तो सेम विचार का लूप जो है ना फिर से खुल गया। तो इस बार मैंने बोला दैट आई सरेंडर to my spirit guide, to my angels, to my God, whatever it may be, ये मुझे इतना bother नहीं कर सकता कि मैं इतने साल बाद भी उस चीज को बैठ के same memory मेरे साथ repeat होती है। I surrender and it's fine. I'm so happy and I have moved on and thank God कि मेरा mind, body, soul, life पूरी तरह से change हो चुकी है। So situation वो नहीं है, I'm just grateful to the God कि उस situation ने मुझे strong बनाया। इस बार मेरा reaction ये निकला जब मैंने अपने आप को शांति से बैठ के और इसलिए मेरी सोल ने अलग चॉइस बनाई, मुझे बहुत रिलीफ महसूस हुआ और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक भार हट गया है और मैं थोड़ा सा लाइट महसूस कर पा रही हूँ। तो ये थोड़ा सा स्पिरिचुअली टच लेके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आपकी भी बहुत सारी पैटर्न ऐसी होगी, बहुत सारी चॉइसेस लाइफ में ऐसी आती होंगी जहां पे आप सेम चीज चुनते हैं। कई बार आपको लगता है कि आपको फ्रेंड्स के साथ बैठ के टाइम पास नहीं करना चाहते फिर भी आप करते हैं, कई बार आपको लगता है कि आपको जॉब इंटरव्यू में जाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, फिर भी आपको डरते हो। मेक द डिफरेंट चॉइसेस, सो मेक, आपकी जो आउटकम है वो डिफरेंट हो सकती है। आपकी जिंदगी सिर्फ चाहती है कि आप अपने आप को एक पावरफुल सोल मैनिफेस्टर के रूप में देखो, जिंदगी को एक छोटे से फोकस में नहीं, ड्रोन कैमरा के रूप में देखो, देखो कि जिंदगी बहुत बड़ी है, चॉइसेस बहुत ज्यादा है, आप जो भी चॉइस लोगे उससे आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन हम एक लूप में स्टक रह के एक ही चॉइसेस बनाते रहते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज थी, मैंने शेयर की थी, होप आपको पसंद आई होगी, मिलेंगी किसी और वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।